हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम फूड एंड केयर। मसूर दाल और एग का कॉम्बिनेशन क्या आप कभी सोच सकते हो? नहीं ना? तो फिर ये ट्रेडिशनल रेसिपी आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। मैंने पहले वेज धोखा बनाए थे और आप सभी के साथ शेयर भी की थी, तो आज मैं अंडे से बहुत ही स्वादिष्ट धोखा रेसिपी बनाने वाली हूँ। इस ट्रेडिशनल स्वादिष्ट यूनिक रेसिपी को आप पूरा ज़रूर देखिए। हेल्दी एंड टेस्टी धोखा बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप मसूर दाल लिया है। दालों को आधा घंटा भिगो कर रखे थे, गरम पानी में भिगोए थे मैंने। आप नॉर्मल पानी में 4 से 5 घंटा भिगो कर रख सकते हो। अब 2 मीडियम साइज के अंडा लेंगे। दोनों चीज़ों को मिक्सी में एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। पानी वानी या फिर और कुछ ऐड नहीं करना। अब कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया मैंने, बहुत कम तेल ही चाहिए हमें। और ली है 1/2 चम्मच अदरक को कद्दूकस करके। 2 चम्मच नारियल को भी क्रश करके लिया है मैंने, पानी वाला नारियल ली है। आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हो। थोड़ी देर लो फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। अब ये अंडा और मसूर दाल का पेस्ट को डाल देंगे। देख लीजिए मैंने कितना फाइन पेस्ट बनाया है इसके। 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे, करीबन 5 मिनट तक चलाएंगे। ये मैंने 1 चम्मच मैगी मसाला डाल दी है। आप मैगी मसाले की जगह लाल मिर्च पाउडर और आमचूर पाउडर थोड़ा डाल सकते हो। अब 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डालना आप, कंटिन्यूअस चलाते रहना होगा। सारे नमी सुखा लेंगे, फ्लेम लो है अभी। अब ये एक थाली लिया है मैंने, हल्का तेल ग्रीस करेंगे ऊपर। ये दाल और अंडे के मिक्सचर डाल देंगे इसमें। अब हाथ से एक नरम डो की तरह बना लेते हैं इसे और एक बॉक्स की तरह शेप देंगे। ज्यादा ऊंचा नहीं रखना है, हाथ से इजीली ये शेप दे सकोगे आप भी। वरना ये काम और कर सकते हो, एक चौकोर साइज का किसी भी कटोरे में भी शेप बना सकते हो आप। अब इसे 1/2 घंटा ऐसे ही रख देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। लीजिए 1/2 घंटा हो गया, ये बिल्कुल टाइट बन गया है। अब चाकू से पतले पीसेस में काट लेंगे। देखिए ऐसे टुकड़ा बन गया है। अब कटोरी में 3 चम्मच मैदा लेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच अजवाइन लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए एक पतला घोल बना लेते हैं। कम कम डालना होगा पानी, वरना लम्स रह जाएगा। देखिए तैयार है। कढ़ाई में 1/2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को बहुत अच्छे से गर्म होने देंगे, हाई फ्लेम पर है कढ़ाई। तेल गर्म हो चुका, अब ये धोखे को हम घोल में डाल के फिर तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे। तेल अभी बहुत गर्म है, फ्लेम मीडियम पे ही रखना होगा ताकि बाहर एक बढ़िया क्रस्ट आए। एक साइड पूरा होने के बाद उलट पलट देंगे, बिल्कुल बढ़िया ब्राउन कलर आ जाए फिर निकाल देना होगा। सारे धोखा फ्राई कर लेंगे। देखिए पनीर की तरह लग रहा है ना, यही तो धोखा है। अब धोखा के कारी बना लेते हैं। तेल निकाल लिया है मैंने थोड़ा, इसमें 1/2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। तेल अभी बहुत गर्म है, फ्लेम मीडियम है। 1/4 चम्मच राई डाल देंगे और 1/4 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे साथ में, और एक तेज पत्ता भी डाल देते हैं। अच्छे से फ्राई करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। अब एक बड़ा साइज का आलू क्यूब्स में काट ली मैंने, इसे फ्राई करना होगा अच्छे से। फ्लेम मीडियम है, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी नमक डाल के फ्राई करना होगा ताकि आलू का कलर और टेस्ट अच्छा आए। लो जी आलू फ्राई हो गया, निकाल लेंगे। अब एक मीडियम साइज का प्याज बारीक काट कर डाल देंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे, फ्लेम अभी मीडियम है। यह अदरक कद्दूकस करके डाल दी है मैंने।
ये मैं एक चम्मच जीरा का पेस्ट डाल दूंगी। आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हो इसमें। फ्लेम लो कर देंगे वरना मसाले जो है वो जल सकता है। साथ में आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। हल्का सोटे करना होगा। फिर एक मीडियम साइज का टमाटो बारीक काट के डाल देंगे। अब नमक मिलाएंगे। आधा चम्मच नमक लिया है मैंने। नमक आप स्वाद अनुसार लेना। ढककर टमाटो को पकाएंगे। ये 5 मिनट लो फ्लेम पर हो चुका है। देखिए मसाले कैसे तेल छोड़ रहा है। अब एक चम्मच खट्टा दही मिलाएंगे। लो फ्लेम पर मिलाना हमेशा दही, और दही मिलाते ही अच्छे से इसे सौटे करना होगा वरना दही फट जाएगी। अब इसे लो फ्लेम पर ही ऐसे ही तेल सेपरेट होने देंगे। मसालों को अच्छे से भुनने देना होगा। टेस्ट ऐसे ही अच्छा आता है करी का। कोई भी करी बनाओ तो यही स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट है। मसालों को भुनने का यही एक लास्ट चांस है। 5 मिनट तक मसालों को अच्छे से पकाएंगे। देखिए कैसे तेल छोड़ रहा है मसाले। अब ये 1.5 गिलास गर्म पानी डाल देंगे। फ्लेम हाई है, अब उबाल आने देंगे। लीजिए अच्छे से उबाल आ रहा है। सारे आलू और धोखा जो हमने फ्राई करके रखे थे ये धीरे धीरे डाल देंगे। अब ढककर 5 मिनट पकाना होगा। फ्लेम लो है। देखिए ऊपर कैसे तेल तैर रही है। यही लुक आता है जब लास्ट में हम मसालों को अच्छे से तेल सेपरेट होने देते हैं। अब ढक्कन खोलकर 5 मिनट और पकाना होगा। 1 या 2 आलू के पीसेस को मैश कर लेंगे। ग्रेवी ऐसे थोड़ी गाढ़ी लगेगी, टेस्ट भी बढ़ जाता है ऐसे। लास्ट में 1/4 चम्मच मैं इसमें शक्कर डाल दूंगी। इससे टेस्ट बढ़ जाता है। आपकी इच्छा हो तो डाल देना वरना मत डालना। अब थोड़ी कसूरी मेथी मसल कर डाल देंगे। ये सुगंध के लिए है। आप धनिया से भी गार्निशिंग कर सकते हो। तो कैसी लगी ये अनोखा डिश मुझे कमेंट पे बताना ज़रूर। ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करना रेगुलर। ऐसे ही सरप्राइजिंग वीडियोस मैं लाते रहूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहे और मुझे बहुत सपोर्ट करें। थैंक यू। बाय बाय।